पावन हैं
इसके पीछे तुम्हारी जन्म जन्मांतरों की प्यास, जन्म जन्मांतरों के पुण्य का फल और महापुरुषोचित परिश्रम का फल है जो गुरु जन्म के आनंद को दरबार में आकर पावन से
मेडल जीते, अगर उनकी हिस्ट्री देखें तो उन्होंने डिसिप्लिन पालक ऐसे जिन्हें एक टाइम पर खाना भी मुश्किल नहीं होता, किसी के पिता रिक्शा चलाते, किसी का पिता ऑटो रिक्शा चलाते, किसी के पिता कपड़े धोते, किसी के पिता भाइयों का काम करते। तो इससे ये पता चलता है कि कुछ भी पाने के लिए केवल संसाधनों की नहीं तीव्र ऐसे ऐसे बच्चों ने स्लम से उतर कर और कहाँ तक पहुँचे, ये अपने देश का भी गौरव बढ़ाया और अपना नाम। कल मैं पढ़ रहा था कि एक बालक जो कि अखबार बेचकर कुछ पैसे जुटाता था और उन्हीं पैसों से अपनी पढ़ाई का भी खर्च करता था और अपने गरीब पिता को घर घर चलाने के लिए भी कुछ महसूस देता था। दिवाली का त्यौहार है, उस बच्चे के मन में क्या जैसे और बच्चे पटाखे चलाते हैं, रॉकेट चलाते हैं, अनाज फोड़ते हैं, मैं भी इस बार दिवाली में कुछ खुशी मनाऊं, कुछ बच्चों के साथ मिलकर कुदरत का करना। उसने जो रोज कमाई करता था उसमें 5 पैसे भी ज्यादा मिले, वो पटाखे वाले के दुकान पर गया, उसको कहा कि भाई मेरे पास 5 पैसे हैं, मुझे लाकर दे दो, मेरा बड़ा मन है इस बार दिवाली के दिन मैं भी लाकर। उसने कहा कि बेटा 5 पैसे में क्या आता है, हमने 5 पैसे वापस दी, 5 पैसे में लाकर नहीं। लेकिन वो बच्चा निराश नहीं हुआ, उसने फिर उसको ऐसा ठीक है लाके मत हो, जो पटाखे आपके पास बेकार हैं, जो किसी काम नहीं आएंगे, मुझे वो तो दे सकते। उस्मान भाई ने कहा वो तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन तू उनका क्या करेगा। उसने कहा कि मैं लाके दिवाली के दिन जब सब बच्चे अपने अपने घरों में अपने अपने घरों के आने में देख रहे थे, हाँ कोई बैठने जला रहे थे, कोई हाथ जला रहे थे, उस बच्चे के आने से निकलने वाले जाकर थे आकाश में सब सुन दिया। ये देश के सारे बच्चे जो हमारे और उसको देख कर हैरान हो गए कि किस प्रकार की है। वही बच्चा आगे चल करके मिठाई मैं के नाम से वर्ष कर उसी को 12 रत्न का पुरस्कार देगा और वही एक दिन भारत का राष्ट्रपति। वो कौन था? वो थे डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम। तो इतनी जिसके अंदर लगन होती है, जितना अपने लक्ष्य को पाने का जज्बा होता है उसके अंदर, वही ये तो दुनिया की चीजें हैं। तो ये सोचो उस मालिक को पाने के लिए, उसकी प्रसन्नता को पाने के लिए, उसकी भक्ति को पाने के लिए कितने बड़े चलते, कितनी बड़ी जरूरी है। एक बार की बात है कि यही
Thank you.